भारतीय नौजवान क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल डबल सेंचुरी बनाने वाले कम उम्र ओपनर का गोलगप्पे के ठेले से भारतीय क्रिकेट टीम तक का सफर। सिर्फ 22 साल की उम्र में भारतीय ओपनर बैटर यशस्वी जायसवाल ने विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कैरियर की पहली डबल सेंचुरी स्कोर की। जायसवाल ने 290 गेंदों पर 209 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 9 फलक शगाफ छक्के और 19 चौके शामिल थे। टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में डबल सेंचुरी बनाने वाले तीसरे कम उम्र तरीन भारतीय क्रिकेटर बन गए। इससे कबल 1993 में भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली इंग्लैंड के खिलाफ 21 बरस 32 दिन की उम्र में डबल सेंचुरी बना चुके हैं, जबकि क्रिकेट लेजेंड सुनील गावस्कर ने 21 बरस 270 दिन की उम्र में डबल सेंचुरी स्कोर की थी। जायसवाल ने 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के दौरान अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत अवामी तवज्जो हासिल की थी। उनके कोच ज्वाला सिंह ने BBC से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि जायसवाल के लिए क्रिकेट का सफर इंतहाई कठिन था। मैंने जब उसे पहली मर्तबा खेलते हुए देखा तो जायसवाल की उम्र लगभग 11.5 साल थी। जायसवाल कम उम्री में उत्तर प्रदेश में अपना घर छोड़कर मुंबई आ गए थे। उससे बात करके मुझे अंदाजा हुआ कि वो माली मुश्किलात का शिकार है। जायसवाल के पास ना पैसे थे, ना रहने की जगह थी और वो ना खाना खाता था। वो एक क्लब गार्ड के साथ रहता था। जायसवाल दिन में क्रिकेट खेलता और रात भर गोलगप्पे फरोख्त करता था। जायसवाल को घर से थोड़े से पैसे भेजे जाते थे और वो पलट कर कोई शिकायत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके दिल में डर था कि अगर उसके ख़ानदान को हालात का पता चला तो वो उसे वापस घर बुला लेंगे। इब्तदाई दिनों में कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। जायसवाल ने मुझे बताया कि क्रिकेट खेलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, और उसके लफ्ज़ों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसकी रिहाइश, खाने और कोचिंग का इंतज़ाम किया, यहाँ तक कि उसे ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेजा। फिर उसी साल IPL की टीम राजस्थान रॉयल्स ने जायसवाल की खिदमात 2,40,00,000 रुपए में हासिल कर ली। आज लोग इंडियन क्रिकेटर की मेहनत पर उसे सराहते हुए नज़र आते हैं। लोग एक दूसरे को बताते हुए नज़र आए कि अगर मेहनत की जाए तो गोल गप्पे के ठेले से इंटरनेशनल क्रिकेट तक का सफ़र तय किया जा सकता है। साबिक क्रिकेटर्स भी यशस्वी जायसवाल के गुण गा रहे हैं।